वरना हमारी जो है तौबा कबूल नहीं होगी। आइए आगे, दूसरा आप क्या काम करेंगे, दूसरा नुकात, दूसरा पॉइंट बड़ा है, मैं याद रखिए, संजीदगी से लीजिए, जो घर के जिम्मेदार है वो भी लीजिए, जो जिम्मेदार नहीं है माते हैं तो वो भी लीजिए इस चीज को। वो क्या है, वो ये है कि नेक बहू या बीवी का इंतखाब करें। अब ये बुनियाद है याद रखिए घरों की इस्लाह की, अकीदा बन गया घर वालों का, बिदअत खुराफात से बच गए। अब जो काम करना है घर के जिम्मेदार को और जो मातहत है जिनके निकाह होने वाले हैं या जो करने वाले, मतलब अपने बच्चे का कोई निकाह करना चाहता है या जो कर रहा है, नेक बीवी का इंतखाब करे, नेक बहू का इंतखाब करे। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात हुई नेक बीवी और बहू का इंतखाब करे, दामाद था क्या? तो जब भाई देख, नेक बीवी और बहू का इंतखाब की बात कर रहा हूं, जो इंतखाब ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है वो खुद नेक भी तो होगा ना। तो लड़कियों के लिए है, लड़कियों के जिम्मेदारान के लिए है कि नेक दामाद और नेक शोहर का इंतखाब करे अपने लिए। अब ये बेसिक पॉइंट, बुनियादी पॉइंट है, याद रखिए।